A small electric field E exists in space in the vertically upward direction. Electric field ऊपर की तरफ दिया हुआ है. The upper block carries positive charge Q. Charge Q ये carry कर रहा है. On its top surface, the friction coefficient between the two blocks is mu. फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहां पर यूज किया हुआ है जो कि लास्ट क्वेश्चन में भी था. व्हाट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ कैन बी अप्लाइड विदाउट डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम. देखो इस क्वेश्चन में क्या है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग किए थे लास्ट क्लास में, उसमें हम लोग देखे थे कि यहां पर एक फ्रिक्शन है तो हम लोग निकाले थे मैक्सिमम फोर्स सो दैट ये सिस्टम इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब इसका नहीं हुआ है. ठीक है, तो इस यहां पर क्या किया है, एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स्ट्रा जो दिया है इसका क्या होगा पर्पस. ठीक है, तो एक हिंट लिखा हुआ है क्वेश्चन में. द हिंट इज ए फोर्स एफ एक्ट्स ऑन चार्ज क्यू इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई. ये फैक्ट है, इसको याद कर लो अभी के लिए. 12 में फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ने का है. ठीक है, 12 स्टैंडर्ड में जब जाओगे तो फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ने का है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर ई होता है, चार्ज क्यू है किसी पार्टिकल का, तो उस पर फोर्स क्यू ई लगता है. ठीक है, तो ये फैक्ट को अभी जान लो और इसको हम लोग यूज करेंगे इस प्रॉब्लम में. ठीक है, ये कहाँ से आया इस पर अभी नहीं जाना. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इस पर सारे फोर्सेज दिखते हैं. एम ब्लॉक फॉर स्मॉल एम. ठीक है, क्या क्या फोर्सेज है, क्या क्या फोर्सेज है. एक दिन एक तरह से नॉर्मल होगा और जब खींचेंगे फ्रिक्शन किधर लगेगा, उल्टा लगेगा. ठीक है, फ्रिक्शन एक टेंशन होगा और इधर का फोर्स जो एफ एक्सटर्नल है और ये वाला फोर्स, ये वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, ये वर्टिकली अपवर्ड लगेगा, फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है. ठीक है, क्यों इतनी सीधे हो जाता है. ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें नॉर्मल का वैल्यू निकालना है सबसे पहले, क्योंकि नॉर्मल से फ्रिक्शन निकलता है. ठीक है, नॉर्मल का वैल्यू कितना होगा, तो नॉर्मल का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन अलोंग वर्टिकल, वर्टिकल के लॉन्ग इक्वेशन. वर्टिकल के लॉन्ग क्या है, नॉर्मल प्लस ये जो तुम्हारा क्यू ई है, इसको ऐसे लिखिए क्यू ई विल बी इक्वल टू व्हाट, एम जी. वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस है, ये दोनों और ये ऊपर का दोनों फोर्स नीचे का फोर्स के बराबर होना चाहिए, बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन सिस्टम इज नॉट मूविंग, नेट फोर्स विल बी जीरो. So what will be the normal force? Mg minus Qe. This is normal force. And what will be the friction? The maximum possible value of friction. कितना होगा? Q times Mg minus Qe. ठीक है? ये हो गया friction का value. अब object का horizontal direction में equation लिखते हैं. तो horizontal में equation में क्या क्या आएगा? Along horizontal. क्या क्या आएगा horizontal में, F minus T minus F. ये आएगा, this should be greater than zero. ये zero से बड़ा होना चाहिए. ठीक है, this should be greater than zero. ये zero से बड़ा होना चाहिए तभी तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा. हम लोग ऐसे निकालना है मैक्सिमम जब तक डिस्टर्ब ना हो, तो उल्टा लिखो फाइनली. वैसे हम लोग को इक्वालिटी लेकर चलना है. ठीक है, हम लोग जो इनइक्वालिटी रहते हैं उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं. ठीक है, ये लिखे अब इक्वालिटी में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं. एफ इक्वल टू प्लस एफ लिख सकते हैं, हो जाएगा एफ इक्वल टू प्लस यू एम जी माइनस
कितना लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसमें क्या क्या चीज अननोन है, देखो टी नहीं पता हम लोग, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये बड़ा ऑब्जेक्ट जो है इसके लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का इक्वेशन, ठीक है, बड़ा ऑब्जेक्ट, वर्टिकल का जरूरत यहाँ नहीं है, क्योंकि वर्टिकल का जरूरत, वर्टिकल से हमारा यहाँ का नॉर्मल फोर्स निकलेगा, इसका की कोई जरूरत नहीं है अभी। इस पर क्या क्या फोर्सेज लगेंगे, एम जी पर, कैपिटल एम पर, फॉर कैपिटल एम, बताओ क्या क्या लगेगा, कैपिटल एम, कैपिटल एम जी, यहाँ से एक नॉर्मल लगेगा और ऊपर से जो लग रहा है छोटा ब्लॉक ऊपर लगा रहा है वो तो है एन डैश एन, खींचेंगे ऐसे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा, फ्रिक्शन किधर लगेगा, उल्टा लगेगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा, टेंशन किधर लगेगा, इस तरफ, यहाँ पर ध्यान देने का बात है कि हम लोग को वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्सेस बैलेंस, क्योंकि जब खींचेंगे ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, जाने का ट्राई करेगा ना, फ्रिक्शन उल्टा लगेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग बड़े मास का लिख रहे हैं, दोनों मास को एक साथ भी लिखा जा सकता है, बट यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट है, एक का प्लस एक का माइनस, एक्सेलरेशन इज डिफरेंट, सो वी कैन नॉट राइट इक्वेशन फॉर आफ्टर कंबाइनिंग, ठीक है, हम लोग को सेपरेट लिखना, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एक चीज और देखो, वर्टिकल का इक्वेशन लिखने का जरूरत नहीं है, केवल हॉरिजॉन्टल का लिखेंगे, तो हमारा होना चाहिए टी इक्वल टू एफ, ग्रेटर देन लेस देन क्राइटेरिया होता है, लेकिन इक्वालिटी लेकर सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, टी इक्वल टू एफ, एफ इज यू एम जी माइनस यू ई, ठीक है, इस टी को यहाँ पुट करो और एफ का वैल्यू आ जाएगा, टी को यहाँ पुट करो एफ का वैल्यू आ जाएगा, एफ क्या आएगा, लास्ट क्वेश्चन से इसमें क्या डिफरेंस है, लास्ट क्वेश्चन जो इसके पहले वाला किए थे इससे इसमें कितना डिफरेंस है, ये क्वांटिटी आ गया है, देखो इसको हम लोग एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता जो कि लास्ट क्वेश्चन में था तब क्या आता वैल्यू, टू नियर, ठीक है, यही आंसर आया था लास्ट केस में। दूसरा देखो, अगर क्यू ई का वैल्यू एम जी से बड़ा हो जाए या एम जी के बराबर हो जाए तो क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा या निगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब ये निकला जीरो हो गया, मतलब कि एम जी से बड़ा ये फोर्स लग रहा है इस पर, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है दैट इज ग्रेटर देन एम जी, तो ऑब्जेक्ट पूरा हल्का हो गया ऐसे, वो इस पर रखा हुआ ही नहीं है, पूरा लाइट हो गया है, तो जब लाइट हो गया है तो क्या होगा, कोई फ्रिक्शन लगेगा इस पर, नॉर्मल भी नहीं लगेगा, फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा, तो जीरो आ जाएगा इस पर। जैसे मैग्नेटिक ट्रेन्स का बारे में सुने हो ना, मैग्नेटिक ट्रेन्स जो होता है वो पटरी के ऊपर चलता है, उसके ऊपर उठा हुआ रहता है कोई फोर्स लगा कर, इसी तरह का कुछ मैग्नेटिक फोर्स रहता है, ठीक है, वो रखा हुआ नहीं रहता है, तो चूंकि उठा हुआ है तो नॉर्मल फोर्स उनके बीच जीरो है, ठीक है, अब जीरो नॉर्मल फोर्स है तो क्या होगा, फ्रिक्शन भी जीरो होगा, वो बिना फ्रिक्शन के चलता है, ठीक है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा एफिशिएंसी होता है, एयर का केवल रेजिस्टेंस होता है, पटरी से कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, ठीक है, वो हवा में चलता है, तो यहाँ भी उसी तरह का हो जाएगा अगर दोनों बराबर, समझ में आया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी पढ़ोगे तो करो, दो मिनट का टाइम है उसको एक बार सोचो और करो, फिर बताओ। फील्ड ऊपर की तरफ दिया हुआ है, द अपर ब्लॉक कैरी पॉजिटिव चार्ज क्यू, चार्ज क्यू ये कैरी कर रहा है ऑन इट्स टॉप सरफेस, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज म्यू, फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहां पर म्यू दिया हुआ है जो कि लास्ट क्वेश्चन में भी था, what maximum horizontal force F can be applied without disturbing the equilibrium? देखो इस क्वेश्चन में क्या है,
लास्ट क्वेश्चन हम लोग किए थे लास्ट क्लास में, उसमें हम लोग देखे थे कि यहाँ पर एक फ्रिक्शन है, तो हम लोग निकाले थे मैक्सिमम फोर्स सो दैट ये सिस्टम इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब इसका नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस यहाँ पर क्या किया है, एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स्ट्रा जो दिया है इसका क्या होगा पर्पस, ठीक है। तो एक हिंट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, द हिंट इज ए फोर्स एफ एक्ट्स ऑन चार्ज क्यू इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये फैक्ट है, इसको याद कर लो अभी के लिए, 12 में फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ने का है, ठीक है। 12 स्टैंडर्ड में जब जाओगे तो फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ने का है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर ई होता है, चार्ज क्यू है किसी पार्टिकल का, तो उस पर फोर्स क्यू ई लगता है, ठीक है। तो ये फैक्ट को अभी जान लो और इसको हम लोग यूज करेंगे इस प्रॉब्लम में, ठीक है। ये कहाँ से आया इस पर अभी नहीं जाना, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इस पर सारे फोर्सेज दिखते हैं, एम ब्लॉक फॉर स्मॉल एम, ठीक है। क्या क्या फोर्सेज है, क्या क्या फोर्सेज है, एक तरह से नॉर्मल होगा और जब खींचेंगे फ्रिक्शन किधर लगेगा, उल्टा लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शन, एक टेंशन होगा और इधर का फोर्स जो एफ एक्सटर्नल है, और ये वाला फोर्स, ये वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, ये वर्टिकली अपवर्ड लगेगा, फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है, क्यों क्यों सीधे हो जाता है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें नॉर्मल का वैल्यू निकालना है सबसे पहले, क्योंकि नॉर्मल से फ्रिक्शन निकलता है, ठीक है। नॉर्मल का वैल्यू कितना होगा, तो नॉर्मल का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन अलोंग वर्टिकल, वर्टिकल के अलोंग इक्वेशन, वर्टिकल के अलोंग क्या है, नॉर्मल प्लस ये जो तुम्हारा क्यू ई है, इसको ऐसे लिखते हैं क्यू ई विल बी इक्वल टू व्हाट, एम जी। वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस है, ये दोनों और ये ऊपर का दोनों फोर्स नीचे का फोर्स के बराबर होना चाहिए, बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन सिस्टम इज नॉट मूविंग, नेट फोर्स है। द अपर ब्लॉक कैरीज पॉजिटिव चार्ज क्यू, चार्ज क्यू ये कैरी कर रहा है ऑन इट्स टॉप सरफेस, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज म्यू, फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहां पर म्यू दिया हुआ है, जो कि लास्ट क्वेश्चन में भी था। व्हाट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ कैन बी अप्लाइड विदाउट डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग किए थे लास्ट क्लास में, उसमें हम लोग देखे थे कि यहाँ पर एक फ्रिक्शन है, तो हम लोग निकाले थे मैक्सिमम फोर्स सो दैट ये सिस्टम इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब इसका नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस यहाँ पर क्या किया है, एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स्ट्रा जो दिया है इसका क्या होगा पर्पस, ठीक है। तो एक हिंट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, द हिंट इज फोर्स एफ एक्ट्स ऑन चार्ज क्यू इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये फैक्ट है, इसको याद कर लो अभी के लिए, 12 में फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ने का है, ठीक है। 12 स्टैंडर्ड में जब जाओगे तो फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ने का है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर ई होता है, चार्ज क्यू है किसी पार्टिकल का, तो उस पर फोर्स क्यू ई लगता है, ठीक है। तो ये फैक्ट को अभी जान लो और इसको हम लोग यूज करेंगे इस प्रॉब्लम में, ठीक है। ये कहाँ से आया इस पर अभी नहीं जाना, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इस पर सारे फोर्सेस दिखते हैं, एम ब्लॉक फॉर स्मॉल एम, ठीक है। क्या क्या फोर्सेज है, क्या क्या फोर्सेज है, एफ जी एक तरह से नॉर्मल होगा और जब खींचेंगे द अपर ब्लॉक कैरी पॉजिटिव चार्ज क्यू, चार्ज क्यू ये कैरी कर रहा है ऑन इट्स टॉप सरफेस, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज म्यू,
फ्रिक्शन कोएफिशिएंट यहां पर म्यू दिया हुआ है जो कि लास्ट क्वेश्चन में भी था. What maximum horizontal force F can be applied without disturbing the equilibrium? देखो इस क्वेश्चन में क्या है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग किए थे लास्ट क्लास में, उसमें हम लोग देखे थे कि यहां पर एक फ्रिक्शन है, तो हम लोग निकाले थे मैक्सिमम फोर्स सो दैट ये सिस्टम इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब इसका नहीं हुआ है. ठीक है, तो इस यहां पर क्या किया है, एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स्ट्रा जो दिया है इसका क्या होगा पर्पस? ठीक है, तो एक हिंट लिखा हुआ है क्वेश्चन में. द हिंट इज ए फोर्स एफ एक्ट्स ऑन चार्ज क्यू इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई. ये फैक्ट है, इसको याद कर लो अभी के लिए. 12 में फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ने का है. ठीक है, 12 स्टैंडर्ड में जब जाओगे तो फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ने का है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर ई होता है, चार्ज क्यू है किसी पार्टिकल का, तो उसका फोर्स क्यू ई लगता है. ठीक है, तो ये फैक्ट को अभी जान लो और इसको हम लोग यूज करेंगे इस प्रॉब्लम में. ठीक है, ये कहाँ से आया इस पर अभी नहीं जाना. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इस पर सारे फोर्सेस दिखते हैं. एम ब्लॉक फॉर स्मॉल एम. ठीक है, क्या क्या फोर्सेज है, क्या क्या फोर्सेज है? एम जी एक तरह से नॉर्मल होगा और जब खींचेंगे फ्रिक्शन किधर लगेगा, उल्टा लगेगा. ठीक है, फ्रिक्शन एक टेंशन होगा और इधर का फोर्स जो एफ एक्सटर्नल है और ये वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, ये वर्टिकली अपवर्ड लगेगा, फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है. Equal to what? Mg. Vertical direction में कौन-कौन से forces हैं? ये दोनों और ये ऊपर का दोनों force, नीचे का force के बराबर होना चाहिए. Because vertical direction system is not moving, net force will be zero. So what will be the normal force? Mg minus Qe. This is normal force. And what will be the friction? The maximum possible value of friction. कितना होगा? ठीक है, ये हो गया फ्रिक्शन का वैल्यू. अब ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन देखते हैं. तो हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन में क्या क्या आएगा? अलोंग हॉरिजॉन्टल क्या क्या आएगा हॉरिजॉन्टल में? एफ माइनस एफ, ये आएगा. दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ये जीरो से बड़ा होना चाहिए. ठीक है, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ये जीरो से बड़ा होना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा. हम लोग ऐसे निकालना है मैक्सिमम जब तक डिस्टर्ब ना हो, तो उल्टा फाइनली वैसे हम लोग को इक्वालिटी लेकर चलना है. ठीक है, हम लोग जो इनइक्वालिटी रहते हैं उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं. ये लिखे अब इक्वालिटी में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं. ये पर एफ इक्वल टू प्लस एफ लिख सकते हैं, हो जाएगा एफ इक्वल टू टी प्लस यू एम जी माइनस यू ई, इतना लिख सकते हैं हम लोग. ये हो गया. इसके बाद इसमें क्या क्या चीज अननोन है, देखो टी नहीं पता हम लोग. ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये बड़ा ऑब्जेक्ट जो है इसके लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का इक्वेशन. ठीक है, बड़ा ऑब्जेक्ट, वर्टिकल का जरूरत यहां नहीं है क्योंकि
वर्टिकल का जरूरत, वर्टिकल से हमारा यहाँ का नॉर्मल फोर्स निकलेगा, इसका की कोई जरूरत नहीं है अभी। इस पर क्या क्या फोर्सेज लगेंगे? एफ जी पर कैपिटल एम पर, फॉर कैपिटल एम बताओ क्या क्या लगेगा? कैपिटल एम, कैपिटल एम जी यहाँ से एक नॉर्मल लगेगा और ऊपर से जो लग रहा है छोटा ब्लॉक ऊपर लगा, पॉजिटिव चार्ज क्यू, चार्ज क्यू ये कैरी कर रहा है ऑन इट्स टॉप सरफेस, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज म्यू। फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहाँ पर म्यू दिया हुआ है जो कि लास्ट क्वेश्चन में भी था। What maximum horizontal force F can be applied without disturbing the equilibrium? देखो इस क्वेश्चन में क्या है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग किए थे लास्ट क्लास में, उसमें हम लोग देखे थे कि यहाँ पर एक फ्रिक्शन है तो हम लोग निकाले थे मैक्सिमम फोर्स सो दैट ये सिस्टम इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब इसका नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस यहाँ पर क्या किया है, एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स्ट्रा जो दिया है इसका क्या होगा पर्पस, ठीक है। तो एक हिंट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, द हिंट इज ए फोर्स एफ एक्ट्स ऑन चार्ज क्यू इफ केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये फैक्ट है, इसको याद कर लो अभी के लिए, 12 में फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ने का है, ठीक है। 12 स्टैंडर्ड में जब जाओगे तो फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ने का है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर ई होता है, चार्ज क्यू है किसी पार्टिकल का, तो उस पर फोर्स क्यू ही लगता है, ठीक है। तो ये फैक्ट को अभी जान लो और इसको हम लोग यूज करेंगे इस प्रॉब्लम में, ठीक है। ये कहाँ से आया इस पर अभी नहीं जाना, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इस पर सारे फोर्सेस दिखते हैं, एम ब्लॉक फॉर स्मॉल एम, ठीक है। क्या क्या फोर्सेज है, क्या क्या फोर्सेज है, एम जी एक तरह से नॉर्मल होगा और जब खींचेंगे फ्रिक्शन किधर लगेगा, उल्टा लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शन एक टेंशन होगा और इधर का फोर्स जो एफ एक्सटर्नल है और ये वाला फोर्स, ये वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, ये वर्टिकली अपवर्ड लगेगा, फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, सीधे हो जाता है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें नॉर्मल का वैल्यू निकालना है सबसे पहले, क्योंकि नॉर्मल से फ्रिक्शन निकलता है, ठीक है। नॉर्मल का वैल्यू कितना होगा, तो नॉर्मल का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन अलोंग वर्टिकल, वर्टिकल के अलोंग इक्वेशन, वर्टिकल के अलोंग क्या, नॉर्मल प्लस ये जो तुम्हारा क्यू ई है, इसको ऐसे लिखिए नॉर्मल फोर्स एम जी माइनस क्यू ई, दिस इज नॉर्मल फोर्स। एंड व्हाट विल बी द फ्रिक्शन, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, ठीक है। ये हो गया फ्रिक्शन का वैल्यू। अब ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखते हैं, तो हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन में क्या क्या आएगा, अलोंग हॉरिजॉन्टल क्या क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल में F माइनस माइनस ये आएगा, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ये जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ये जीरो से बड़ा होना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। हम लोग ऐसे निकालना है मैक्सिमम जब तक डिस्टर्ब ना हो, तो उल्टा फाइनली वैसे हम लोग को इक्वालिटी लेकर चलना है, ठीक है। हम लोग जो इनइक्वालिटी रहते हैं उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये लिखे, अब
इक्वालिटी में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, एफ इक्वल टू प्लस एफ, लिख सकते हैं हो जाएगा एफ इक्वल टू टी प्लस यू एम जी माइनस यू ई, इतना लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसमें क्या क्या चीज अननोन है, देखो टी नहीं पता हम लोग, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये बड़ा ऑब्जेक्ट जो है इसके लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का इक्वेशन, ठीक है, बड़ा ऑब्जेक्ट वर्टिकल का जरूरत यहाँ नहीं है, क्योंकि वर्टिकल का जरूरत, वर्टिकल से हमारा यहाँ का नॉर्मल फोर्स निकलेगा, इसका की कोई जरूरत नहीं है अभी। इस पर क्या क्या फोर्सेज लगेंगे, एफ जी कैपिटल एम फॉर कैपिटल एम, बताओ क्या क्या लगेगा, कैपिटल एम, कैपिटल एम जी यहाँ से एक नॉर्मल लगेगा और ऊपर से जो लग रहा है छोटा ब्लॉक ऊपर लगा रहा है वो तो है एन डैश एन, खींचेंगे ऐसे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा, फ्रिक्शन किधर लगेगा, उल्टा लगेगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा, टेंशन किधर लगेगा, इस तरफ। यहाँ पर ध्यान देने का बात है कि हम लोग को वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्सेस बैलेंस, क्योंकि जब खींचेंगे ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, जाने का ट्राई करेगा ना, फ्रिक्शन उल्टा लगेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग बड़े मास का लिख रहे हैं, दोनों मास को एक साथ भी लिखा जा सकता है, बट यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट है, एक का प्लस एक का माइनस, एक्सेलरेशन इज डिफरेंट, सो वी कैन नॉट राइट इक्वेशन फॉर आफ्टर कंबाइनिंग, ठीक है, हम लोग को सेपरेट लिखना है, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एक चीज और देखो, वर्टिकल का इक्वेशन लिखने का जरूरत नहीं है, केवल हॉरिजॉन्टल का लिखेंगे तो हमारा होना चाहिए टी इक्वल टू एफ ग्रेटर देन लेस देन क्राइटेरिया होता है, लेकिन क्वालिटी लेकर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, टी इक्वल टू एफ, एफ इज यू एम जी माइनस यू ई, ठीक है, इस टी को यहाँ पुट करो और एफ का वैल्यू आ जाएगा, टी को यहाँ पुट करो एफ का वैल्यू आ जाएगा, एफ क्या आएगा, लास्ट क्वेश्चन से इसमें क्या डिफरेंस है, लास्ट क्वेश्चन जो इसके पहले वाला किए थे इससे इसमें कितना डिफरेंस है, ये क्वांटिटी आ गया है, देखो इसको हम लोग एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता जो कि लास्ट क्वेश्चन में था तब क्या आता भाई, टू नियर, ठीक है, यही आंसर आया था लास्ट केस में। दूसरा देखो, अगर QE का वैल्यू MG से बड़ा हो जाए या MG के बराबर हो जाए तो क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब ये निकला जीरो हो गया, मतलब कि MG से बड़ा ये फोर्स लग रहा है इस पर, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है दैट इज ग्रेटर देन MG, तो ऑब्जेक्ट पूरा हल्का हो गया ऐसे, वो इस पर रखा हुआ ही नहीं है, पूरा लाइट हो गया है, तो जब लाइट हो गया है तो क्या होगा, कोई फ्रिक्शन लगेगा इस पर, नॉर्मल भी नहीं लगेगा, फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा, तो जीरो आ जाएगा इसको। जैसे मैग्नेटिक ट्रेन्स के बारे में सुने हो ना, मैग्नेटिक ट्रेन्स जो होता है वो पटरी के ऊपर चलता है, उसके ऊपर उठा हुआ रहता है कोई फोर्स लगाकर, इसी तरह का कुछ मैग्नेटिक फोर्स रहता है,